साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई पर्सनल, कुछ सामने भी आ रहा है और कुछ देखने सुनने में आ रहा है, कुछ लोगों के मैसेज वगैरह है या सोशल मीडिया पे कुछ बातें फेक न्यूज़ चला रखी हैं लोगों ने। अब पता नहीं कोई ना कोई मिल जाते हैं और भाई फेक न्यूज़ ज़्यादा धड़ल्ले से वायरल होती है। आपने देखा होगा फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पर भी जो वीडियो सिर्फ हमारे काम का नहीं है, सिर्फ हम देख के दो मिनट के लिए मनोरंजन करते हैं, वो कितना जल्दी से वायरल हो जाते हैं। ये इसी तरह से हम बात करेंगे फेक फ्लाइट, यानी फ्लाइट से रिलेटेड हम बात करेंगे कि फेक टिकट फ्लाइट के क्या लोगों ने बातें सुन रही हैं या रियल में इसमें क्या कितनी सच्चाई है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो भाई आज हम बात करते हैं, देखिए मैं बता दूं आपको, इंडियन गवर्नमेंट ने भी, इंडियन एम्बेसी यूएई ने भी एक नोटिस जारी किया, आपको पता होगा, मैं साथ में भी अटैच कर दूंगा। उन्होंने साफ साफ बोला है, उनके पास काफ़ी लोगों ने ट्वीट के जरिए, ईमेल के जरिए, फ़ोन के द्वारा पूछा कि क्या सर गवर्नमेंट की तरफ से पर्सनल फ्लाइटें उड़ने की इजाज़त दे दी गई है। जी हाँ साथियों, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के सुनने में ये आया फेक न्यूज़ के जरिए कि भाई गवर्नमेंट ने 25 मई से स्टार्ट कर दिया कि कोई भी फ्लाइट की आप बुकिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी है कि आप बुक करवा के इंडिया पहुंच जाओ, फेक या फिर चार्जेड प्लेन वगैरह काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आई। तो गवर्नमेंट को सामने, इंडियन एम्बेसी को साथियों सफाई देनी पड़ी यूएई में प्रेस नोट जारी करके कि हमने ऐसे, हमारी तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नियम और रेगुलेशन नहीं निकाला गया है कि आपको कहीं से भी आप टिकट बुक करवा लो या कहीं से भी आप प्लेन में कैसे भी आप इंडिया पहुंच सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जब भी अगर कोई अपडेट होगा तो गवर्नमेंट पहले आपको सूचना देगी। जी हाँ, अभी आपको पता है साथियों पूरा सिस्टम मिशन वंदे भारत के तहत इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है और टिकट भी आपको उन्हीं के द्वारा लेनी पड़ती है, अलग से नहीं ले सकते। इसका रीजन मैं बता दूं कि आपको पता है साथियों हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो ताला बनता है ना उसको तोड़ने की चाबी बन जाती है जरूर चोरी करने के लिए। तो अभी की सिचुएशन ये आ रही है, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे भी करके लोगों तक ये मैसेज डाल रहे हैं कि भाई हम आपकी टिकट बुक करवा देंगे। मेरे पास भी लोगों के मैसेज आते हैं और जिन्होंने मैसेज किया, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, सर हम आपको 5,000 दे देंगे, हम आपको 10,000 दे देंगे, आप टिकट बुक करवा दो हमारी। तो आप देख लीजिए, ऐसे लोग आराम से झांसे में आ जाते हैं। अगर मैं उनको बोलूँ हाँ जी आप मुझे मेरे खाते में 5,000 डालो, मैं आपको टिकट बुक करवा के देता हूँ, तो भाई ऐसे लोग तो आराम से पैसा दे देंगे। सेम कंडीशन ये हो रही है, ये हो किन के साथ रहा है जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, मान लीजिए जिनके पास, बेचारों के पास विदेश में बैठे सब लोगों के पास फ़ोन नहीं है मल्टीमीडिया, वो 24 घंटे नहीं बैठे रहते, बहुत उम्र दराज होते हैं, गांव के लोग होते हैं या काम करने वाले होते हैं, उनको नहीं पता होता इन सोशल मीडिया का, इन फालतू की चीज़ों का नहीं वो ध्यान रखते, ठीक है। तो उन जैसे लोगों के पास अगर कोई मैसेज पहुँचा देता है कि यार वो टिकट बना के दे रहा है, ठीक है, वो फ्लाइट से उनकी सेटिंग है एम्बेसी में, वो कॉल के द्वारा अपना काम करवा देगा, वो 5,000 ज़्यादा लेगा, 10,000 ज़्यादा लेगा, हम उनसे टिकट बुक करवा लेते हैं। अब उन लोगों ने भाई 100 लोगों को टोपी पहना दी, 10,000, 5,000, 2,000 लोगों के पास मैसेज गया, 100 लोगों को टोपी पहना दी, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लेके वो तो लाखों रुपये कमा के मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे। ये सच्चाई है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, यूएई में खास तौर से बाहर की कंट्रियाँ के लोग हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें। अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं हुआ है कि प्राइवेट हवाई जहाज चला दिए गए हैं, ठीक है, या फिर टिकट बुक आप कहीं से भी करवा लो, एजेंटों के माध्यम से ऑनलाइन बुक करवा लो। अब आप यूट्यूब, आप ऑनलाइन देखोगे सोशल मीडिया पे, GoIBIBO जितने भी ये ऑनलाइन प्ले स्टोर पे ऐप हैं सब टिकट दिखा रखे हैं, कोई 15,000 की टिकट है, इनके पास सबकी टिकट अवेलेबल है, जबकि पूरी दुनिया जानती है भाई टिकट मिलती नहीं है, टिकट बुक ही नहीं है, लेकिन इन्होंने पूरा रेट, बुक करने का तरीका, अभी बुक करें, ये करें, वो करें, इनको पता है एक बार बंदे ने पैसा दे दिया, हालांकि वो पैसा खाएंगे नहीं लेकिन लटका देंगे लंबे टाइम के लिए, कुछ पैसा काट के वापस रिफंड कर देंगे, ये सच्चाई है। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें, कोई आपके पास कॉल मैसेज करता है इंडियन एम्बेसी के अलावा तो उनकी बातों में ना आए, अगर आप पैसा दे दोगे तो भाई आपका पैसा चला जाएगा, फिर आप जिम्मेदारी किसको ठहराओगे, कोई जिम्मेदार नहीं होगा इसका, कोई फ्लाइट नहीं है, किसी कोई टिकट नहीं बना सकता, इंडियन गवर्नमेंट रूल के अनुसार कम से कम 15 जून तक तो आप मान लीजिए 15 जून तक तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से घोषणा नहीं होने वाली है, आगे कोई होगा
तो इंडियन गवर्नमेंट पहले सचेत करेगी। और आप कहीं पर भी आप पता लगा लीजिए कि गवर्नमेंट ने रियल में सच्चाई मतलब स्टार्ट कर दिया कि उसके बाद किसी को कुछ करने की सोचें, वरना गरीब लोगों का पैसा खराब हो जाएगा। भाई आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है जो वीडियो देख रहे हैं कि साथ वाले को ये बात से सचेत करना कि आपके पास फेक कॉल मैसेज आए तो टिकट फ्लाइट के बारे में बिल्कुल कान के नीचे से निकाल देना है। बस आज का अपडेट यही था साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।